हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मैं आपको अपनी वीडियो में हमेशा बहुत काम के टिप्स, बहुत अच्छी काम की वीडियो दिखाती हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके घर में कोई तोरी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि तोरी की सब्ज़ी आप किस किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे अपने फैमिली मेम्बर को खिला सकते हैं और तोरी को किस तरह से आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तोरी हरी सब्ज़ी है। डॉक्टर बताते हैं जब कभी कि हल्का खाना खाना है, कोई ऑपरेशन सिजेरियन कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं हल्का खाना खाइए। तो तोरी एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसको हरी सब्ज़ी के साथ साथ हल्के भोजन में ही गिना जाता है, और ऋतु फल ऋतु सब्जियाँ जो मौसम की सब्जियाँ होती हैं वो जरूर खानी चाहिए। तो तोरी को हम भरमा बना सकते हैं, तोरी को हम काट कर रसीली बना सकते हैं, ग्रेवी वाली बना सकते हैं, और ऐसे ही तोरी को छोटे टुकड़ों में काट दीजिए हींग नमक मिर्च के साथ, और बाद में उसमें नींबू का रस डाल दीजिए, वो तोरी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों को भरमा तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। भरमा तोरी या भरमा मसाला कैसे तैयार किया जाता है मैं अपनी एक वीडियो में डाल चुकी हूँ करेले की सब्ज़ी में, कि भरवे का इस तरह से आप मसाला बनाएंगे और किसी भी सब्ज़ी में उसको स्टफ करेंगे तो वो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी और ख़राब नहीं होगी, कई दिन तक खाई जा सकती है। तो तोरी की सब्ज़ी हमें इतना फ़ायदा करती है कि इसमें ना तो फैट होता है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ना कैलोरी होती है, बहुत कम नाम मात्रा में होती है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगी। आप कोई भी दाल स्प्राउट या कोई भी आप अपने लिए सैंडविच, कोई नाश्ता पास्ता, या आप अपने लिए स्प्राउट बना रहे हैं या आप ओट्स बना रहे हैं, तो आप तोरी को छोटे टुकड़ों में काट कर या भाप में पका कर उसमें डाल दीजिए। तो आपको काली मिर्च डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, ब्लैक सॉल्ट या नींबू उसके साथ मिलाकर, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत फ़ायदा करेगी आपको। आप नमक का दलिया बनाकर खाते हैं, उसमें तोरी के टुकड़े डाल दीजिए, तोरी का सूप पी लीजिए, तोरी को उबालिए। अगर आपके बच्चे तोरी नहीं खाते हैं तो आप तोरी को उबाल लीजिए और उसका जो पानी होगा उस पानी को आप अपने बच्चों के किसी भी खाने में यूज़ कीजिए और उसमें उसके सारे गुण आ जाएंगे। और जो तोरी उबली हुई जो टुकड़े होंगे उनको आप मैश करके आटे में मल के पराठा बना दीजिए, सैंडविच में मिला दीजिए आलू की पिट्ठी के साथ। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को तोरी खिला सकते हैं। आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनकी आँखों में रोहे हो जाते हैं, फूली फूली आँखें पलकें हो जाती हैं, उनको तोरी खानी चाहिए। जिनको पीलिया हो जाता है, उसका तोरी का रस नाक में डालने से नाक से पीला पीला पानी आने लगता है और पीलिया ख़त्म हो जाता है। तोरी खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें बहुत मदद करता है, और लीवर के लिए तो ये सबसे अच्छी दवाई है। अगर आपके पेट को मजबूत बनाता है, लोहे जैसा बनाता है, आपका लीवर में कभी कोई ख़राबी नहीं आएगी। अगर आपको गठिया जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो भी आप ये तोरी की सब्ज़ी खाइए। आपको पथरी हो गई है तो आप तोरी की सब्ज़ी, मतलब एक किलो तोरी को उबाल लीजिए कम से कम, उसमें कोई पानी मत डालिए, तोरी अपना पानी छोड़ देगी, और उसमें नमक नींबू डालकर आप वो खाइए। आपको पथरी की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर स्किन प्रॉब्लम है आपको, तो स्किन प्रॉब्लम में क्या करेंगे आप, तोरी तो खाएँगे, सब्ज़ी तो मैंने बता दिया कि आपको खानी है। तोरी जो ये जो तोरी के टुकड़े हैं ना, आप इनको उस पर पेस्ट बनाकर लगा लीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि तोरी को लेनी आनी पड़ेगी, घर पे है नहीं, तो जब भी आप कभी भी तोरी की सब्जी बनाएं उसके छिलकों को कभी मत फेंकिए, उनको धूप में सुखा लीजिए, मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। उसको आप पाउडर को आप अपनी स्किन पर लगाइए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दही में मिलाकर लगा सकते हैं, गुलाब जल में। और अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो उस पाउडर को मेहंदी के साथ मिलाकर बालों में लगाइए, आपके बालों की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको दांत खाज खुजली है, आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो ये इंसुलिन का काम करती है। जिनको डायबिटीज़ है उनको तोरी डेली खानी चाहिए, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।